प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम की, जिसमें हम दो अंकों की संख्या की दो अंकों की संख्या के साथ गुणा करना सीख चुके हैं। उसके बाद के वीडियो में हमने तीन अंकों की संख्या की तीन अंकों की संख्या के साथ किस तरह से गुणा करते हैं ये सीखा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा चार अंकों की संख्या की गुणा चार अंकों की दूसरी संख्या के साथ हम किस तरह से करेंगे। यानी कि हम सीख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स। अब यहां पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि हमें 3451 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, गुणा करनी है 2603 के साथ। आमतौर पे इस तरह से हम दो लाइन जब हम प्लस या माइनस करते हैं तब लगाते हैं, लेकिन हमने मल्टीप्लीकेशन में भी ये लाइन लगा दी। यानी कि हम एक ही स्टेप में एक ही पंक्ति में एक ही रो में इस जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जैसे हमें पता है कि अगर हमें दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या के साथ गुणा करनी है, तो इसमें जो टोटल स्टेप्स थे किस तरह से हमने निकाला था, उसका क्या तरीका हमने बना दिया था। तो 2 की 2 के साथ 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 स्टेप्स होंगे उसमें। और अगर हमें तीन अंकों की संख्या के साथ गुणा करनी है, तो इसमें जो टोटल स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5 स्टेप्स होंगे। अब ठीक इसी तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमें 4 डिजिट नंबर की किसी दूसरे 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 4 डिजिट नंबर की किसी दूसरे 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो उसके अंदर जो टोटल स्टेप्स है वो कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 ये 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि इसके 7 स्टेप्स होंगे। अब वो स्टेप क्या होंगे वो देखते हैं हम बारी बारी से, हम स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप वन में हमें ठीक उसी तरह से जैसे 2x2 या 3x3 में करते हैं, स्टेप फर्स्ट हमारा यही है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई या गुणा। ठीक इसी तरह से स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें, तो ठीक इसी तरह से अगर यहां से हम इनको इस तरह से डॉट लगा लें, इन डिजिट्स के लिए हमने डॉट अप्लाई कर लिए, तो वही सेम ये करेंगे। स्टेप थ्री इसी तरह से, स्टेप थ्री हमारे पास बटरफ्लाई बन जाएगा, इसके साथ जो बनेगा उसका प्लस कर देंगे। स्टेप फोर देखो यहां इन एंड के साथ और इनके साथ इसके साथ जो बनेगा उसका प्लस कर देंगे, ये हमारे पास स्टेप फोर होगा। स्टेप फाइव अब देखो सारे डिजिट यहां पे यूज हो गए, अब इसको छोड़ दो, ये 3 रह गए, इसके साथ और इसके साथ ये हमारा स्टेप 5। स्टेप 6 अभी 3 के लिए हो गया तो इसको छोड़ दो, स्टेप 6 इसके साथ और इसके साथ प्लस कर देंगे स्टेप 6। और स्टेप 7
ये टू वाला भी होगा तो इसको भी छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास स्टेप सेवन होगा। तो ये हमारे पास स्टेप सेवन है। तो इस तरह से हमारा ये जो रूल है आगे तक चलता रहेगा, फोर डिजिट की फोर डिजिट के साथ, फाइव डिजिट की फाइव डिजिट के साथ, सिक्स डिजिट की सिक्स डिजिट के साथ, सेवन डिजिट की सेवन डिजिट के साथ, इसी तरह से ये जो वर्टिकल एंड क्रॉस के तरीके से इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं हमारा जो स्टेप फर्स्ट है उसमें हमें ये करना है, यानी कि वन की और थ्री की करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यहां से हमें मिल गया थ्री। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस है, ये हम टू डिजिट यहां से और टू डिजिट यहां से लेंगे। अब इसकी इसके साथ 15 और इसकी इसके साथ तो जीरो ही बनेगा, 15 और जीरो दोनों को प्लस करेंगे तो 15 ही मिलेगा, तो 15 के लिए हम 5 लिख लेते हैं और 1 हम यहां पर लगा देते हैं। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास, ये है थ्री डिजिट यहां से ले लेंगे, थ्री डिजिट यहां पे ले लेंगे। तो थ्री डिजिट और थ्री डिजिट में इसकी इसके साथ शुरू में आप जब करते हो तो लिख सकते हो, इसकी इसके साथ हमारे पास 12 मिल गया हमें, इसकी और इसकी करेंगे तो यहां से हमें 6 मिल गई, और इनकी बीच वालों की करेंगे देखो कॉर्नर्स की और फिर बीच वालों की, 4 की 3 के साथ, 6 की 1 के साथ और 5 की 0 के साथ, ये तो 0 ही मिलेगा हमें। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और 1 ये था जो कैरी था, तो 19 से 9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हम कैरी के लिए इस तरह से लगा देते हैं। अब ये वन होगा, स्टेप 4 में 4 डिजिट सारे ले लेने हैं, तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स जो एंड पे है, एंड डिजिट है, उनकी मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो रही है और उनका प्लस हो रहा है, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, 9। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ हमें 2 मिलेगा, इसकी इसके साथ हमें 0 मिलेगा और इसकी इसके साथ हमें 30 मिलेगा। तो 30 और 11 ही है तो 41 हो जाएंगे, 41 और 1, 42 से 2 मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे फोर्थ स्टेप हो गया, अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि सारे डिजिट यूज हो गए, तो अब इसको इधर वालों को छोड़ देंगे। अब ये थ्री डिजिट इधर से और थ्री डिजिट इधर से, अब इसके लिए इसकी इसके साथ करेंगे तो 0, इसकी इसके साथ करेंगे तो 10 और इसकी इसके साथ करेंगे तो 24, 0, 10 और 24, तो 24 और 10 34 हो गए, 34 और 4 38 से 8 मिल जाएगा, 38 से हमें 8 मिल जाएगा। दोबारा से लिख लेते हैं, 38 से हमें मिल गया 8 और 3 आगे चला गया। नेक्स्ट ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप हो गया, सिक्स स्टेप में हमारे पास ये टू डिजिट और ये टू डिजिट, यहां से 18 और यहां से हमारे पास 8, 3 की 6 के साथ 18, 4 की 2 के साथ 8, 18 और 8 26 और 3 29, 29 आ जाएगा यहां पर हमारे पास, आगे कैरी है जो हमारे पास 2 चला जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हो जाएगा इसकी इसके साथ, 3 की 2 के साथ 6, 6 और ये 2 प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपको ये करना है। प्यारे विद्यार्थियों शुरू में आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको इसमें बेहद मजा आने वाला है। अब आप देखो हमने यहां पे थोड़ा सा लिखा है, अब अगर हम इसको बिल्कुल फास्ट करके देखें 2603, अब आप देखेंगे देखो फर्स्ट स्टेप इसके साथ मल्टीप्लाई 3 आ गया, सेकेंड स्टेप इसकी इसके साथ और इसके इसके साथ जो बनेगा उसको प्लस करना है, 15 और ये 0, 15 से 5 आ गया 1। थर्ड स्टेप अभी ये लेने हैं इसके इसके साथ 12, यहां से हमारे पास 6 की 1 के साथ 8, 12 और 8 सॉरी 6, यहां से 12 और यहां से 6 और यहां से 0, तो 12 और 6 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 और ये 1 कैरी है हमारे पास, 19 से 9 आ जाएगा तो यहां पे 1 चला जाएगा। अब हमारे पास इसके इसके साथ 9, इसके साथ 2, 11 हो जाएंगे, 11 और ये 0 है और ये 30 है, 30 और 11 कितने हो गए, 41 हो गए, 41 और ये 1 था तो 42 से 2 यहां पे 4 आ गए। अब हमारे पास ये हो गए कंप्लीट, इसके इसके साथ 0, यहां से 10 और ये हमारे पास 24 और 10 34 और 4 38,
थ्री आ जाएगा। अब यहां से ये 18, 18 और 8, 26 और 3, 29, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी इसके साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 2, 8 हो जाएगा। देखो 8982953, तो अब यहां पे हमने जैसे प्लस किया था यहां पे वो नहीं किया, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी आप इसको ओवरऑल अपने माइंड में ही करते चलोगे और सीधा ही एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया कि किस तरह से हम ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा चार अंकों की संख्या की फोर डिजिट नंबर की किसी दूसरी फोर डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।